नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटों को छोड़ के। मैडम जी कुछ कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलिए माँ जी, अब क्या हो गया मैडम सर आपको? ऐसे तो आप जज्बात का इतना बड़ा बड़ा बातें करती हैं, आपने सावित्री जी को कैसे जाने दिया? हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, सो गेट बैक टू वर्क। बड़ी आई पुलिस के पास जाने वाली हमारी कंप्लेंट करने के लिए। कल सुबह वृद्धाश्रम चले जाओगे ना तो पिंड छूटेगा आपसे हमारा। अब बस कैसे भी ये आज की रात कट जाए। अब हम ऐसे मत देखिए मां, हमारे सर के ऊपर निकल चुका है। हम हमेशा आपकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे और आप अपने ही बेटे के खिलाफ थाने चली गई। बस मां, बहुत हो गया, अब आपको इस घर से जाना होगा। चलिए। कुछ जिंदगी भी एक ही बर्तन घिसने में निकाल देंगे आप अम्मा जी। कितना काम बचा हुआ है बाहर, झाड़ू पोछा वो कौन करेगा? और नहीं होता तो बोल दीजिए आप, चलिए वृद्धाश्रम। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यही रहना है तुम्हारे और हमारे लल्ला के साथ अपने घर में। हाँ रहना है ना यहाँ पे, तो फटाफट काम कीजिए आप। वेरी गुड, कहा है कि ये हमारा घर है और हमको ढीला लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए। नहीं होगा आपसे अम्मा जी, आपसे नहीं होगा। चलिए वृद्धाश्रम, आप वहीं ठीक रहेंगे। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, छोड़ दो, हमें यहीं रहना है हमारे लल्ला के पास। क्या? अरे और थोड़ी देर ऐसा करते ना तो खंबा उखड़ जाता। पुष्पा जी क्या चक्कर क्या है, क्या बड़बड़ा रहे हो आप? और कहाँ नहीं जाना आपको? ओ अब समझ गया, कहीं सावित्री मौसी का हाल देख के आपको अपने बुढ़ापे का मंजर तो नजर नहीं आ रहा है ना? ओह ये लीजिए, ओल्ड एज पॉलिसी फॉर्म भर दीजिए। हमारा लल्ला उनके बेटे जैसा नालायक थोड़ी है। वो तो कई दिनों से कह रहा था कि अम्मा हम तुम्हें छुट्टियों पे कहीं घुमाने लेके जाएंगे, इसीलिए हम उसको मना कर रहे थे कि हमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। ओ। क्या बात है भैया, पुष्पा जी का शेविंग करने आए हैं आप? नहीं अगर आप कहेंगी तो कर ही देंगे। अरे नहीं मतलब हम तो बस टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए थे, मतलब हम हाँ बिरयानी का ऑर्डर लेने आए थे। अरे हाँ बदनाम भाई पूछ रहे थे कर चाय चाहिए थी तो भिजवाते बोल तुम। अच्छा मैडम 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 समझ गए, हम सब कुछ समझ गए। हमारे अंदर का महिला मनोवैज्ञानिक कह रहा है ना
कि आप ये सोच रही हैं कि SHO बनने के बाद जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक चाय मंगाए कि नहीं मंगाए, है ना मैडम, है ना मैडम? स्मार्ट मनोविज्ञान बहुत गलत सोच रहा है, हम केस के बारे में सोच रहे हैं। पर मैडम सर ने तो केस क्लोज कर दिया था। हाँ तो उन्होंने क्लोज कर दिया है, हमारा केस ओपन रहता है जब तक यहाँ से क्लोज नहीं होता है। हाँ पुष्पा जी, हम सावित्री जी के घर पर ना नजर रखे थे, सावित्री जी घर पर नहीं है, पता नहीं उनके बेटा भाऊ उनको कहाँ उड़ा के लेकर चले गए। नजर किस पे रखी थी आप? कहीं उनको वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ा है वो लोग? नहीं पुष्पा जी, वहाँ पे भी नहीं, हम पता किए हैं। तो फिर क्या किया होगा उन दोनों ने उनके साथ? हेलो। हेलो अजय। हाँ जी बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या आप कौन बोल रहे हैं? 1,00,000 रुपए लेकर आओ और अपनी माँ को ले जाओ। क्या हुआ, कौन है? हमारी माँ आपके पास है? सामने बैठी है, बहुत बुरी हालत में है, बहुत तकलीफ में है, पता नहीं कब तक झेल पाएंगी ये तकलीफ। 5 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे और बताएंगे कि पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं। लेकिन भाई छोटू के बाबूजी लाया करते थे हमारे लिए रसगुल्ले, हर इतवार को चोमू हलवाई से। उनके देहांत के बाद किसी को याद ही नहीं रहा कि हमें रसगुल्ले पसंद है। लाओ मंगवाते हैं। तो सुनो कि 1,00,000 रुपए अब कहाँ और कैसे पहुँचाने हैं। देखिए भाई साहब, आपने गलत जगह फोन मिला दिया है, हमारी कोई माँ नहीं है, हमारी कोई माँ है ही नहीं। आपने किसी गलत औरत को पकड़ा है, फोन रखो और आज के बाद भूलकर भी यहाँ फोन करने की भूल मत करना। पता नहीं किसकी माँ हमारे पल्ले बांध रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रखिए फोन। वाह, क्या सही वक्त पे आए हैं। क्या ना, हमारे यहाँ स्पेशल बिरयानी बनी थी तो सोचा आप लोगों को भी टेस्ट कराया जाए। लीजिए। एक बार हाँ सुनो, अपना दुकान के बाहर ना ये फोटो लगा देना, और ऐसी जगह फोटो लगाना कि तुम्हारे तांबे के बाल से पहले ये फोटो दिखाई दे, समझ गए? चीता, ये फोटो का प्रिंट आउट निकालो, एक बाल को दो और सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म में हमको ये फोटो चाहिए। अब इसके लिए तुम चड्डे का मदद लो या किसी काले चोर का, हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? जी मैडम। खाइए सब लोग खाना। आप बैठिए मैडम, हमको भूख नहीं लग रहा है। किसको भूख लगा है मैडम, सबका वही हाल है, भूख प्यास सब कुछ छुड़ा हुआ आंख के सामने, न बस सावित्री देवी का चेहरा घूम रहा है। सही कह रहे हो चीते, मैडम सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सावित्री जी को उनके बेटा बहू के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था, गलत किया मैडम सर ने। मतलब हम नाकाबिल हैं। बैठिए बैठिए, आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि हम सही समय पर सही फैसला ले सके।
चलिए आप सबको कुछ दिखाना है, चलिए आइए आइए। मैडम सर ये सब क्या है? बताते, बैठिए बैठिए बैठिए। आ गए सब लोग? भूख लगी होगी ना? आज मैंने अपने हाथों से आप सबके लिए खाना बनाया है, बहुत सालों बाद। बस लेके आती हूँ, गरम गरम रोटी आ रही है, रुको। मैडम सर ये कहाँ चल रहा है? हमें इनके बेटा और बहू पर उसी दिन शक हो गया था जब हमने इनका वीडियो देखा। वीडियो में दोनों बेटा बहू माँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार छिड़का रहे हैं। फिर भी हमारे लिए इस बात की तस्दीक करना बहुत जरूरी था कि उनका बेटा वाकई में वैसा है जैसा हम सोच रहे हैं या नहीं। माँ को बच्चों के साथ घर वापस भेजना यही जानने की स्कीम थी। जब तक सावित्री जी का घर अजय के नाम नहीं हुआ था तब तक दोनों को मजबूरन अपनी माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। फिर उन्होंने ये माँ को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग शुरू की। और तो और माँ के किडनैप हो जाने की खबर सुनकर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ। जब इतना घटिया ही है उनका बेटा तो इतना अच्छा बेटा होने का नाटक काय कर रहा है कि ड्रामा करने का क्या जरूरत है कि वो अपनी माँ से इतना प्यार करता है? मजबूरी करिश्मा सिंह, मजबूरी जो कराए सो कम। वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट के बारे में अजय बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि माँ को परेशान करने वाली बात अगर दुनिया के सामने आ गई तो वो जेल भी जा सकता है। इसीलिए तो ये प्यार का ढोंग करना, ये सारा नाटक करना बहुत जरूरी था ताकि मौका आने पर ये सारी चीजें उसके हक में खड़ी हो सके। तो फिर मैडम सर देरी किस बात का है? पकड़ के लाते हैं उस कलयुगी कपूत को और बताते हैं जो अपनी माँ का अनादर करता है ना उसका क्या हाल होता है। कानूनन हम ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा सिंह। सावित्री जी अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखाना चाहती। उनका कहना है कि जैसा भी है उनका बेटा है। इसी अंधे प्यार का तो फायदा उठाते हैं अजय जैसे घटिया लोग। अपने माँ बाप के साथ वो जैसा भी बर्ताव कर ले, लेकिन माँ बाप एक नाखून तक उखड़ने नहीं देते हैं। चांद करिश्मा सिंह, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं और अब हम जो करना चाहते हैं उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। एक बार प्लान सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो दीजिए हमारा साथ। प्लान कहाँ है मैडम सर? हम दोनों सावित्री जी के घर इनके बेटे बहू के पास जाएंगे और खुद को सावित्री जी की दूर की बहन बताएंगे। मकसद होगा इनके बेटे अजय को एहसास दिलाना कि वो अपनी माँ के साथ कितना गलत कर रहा है। ये सब होना चाहिए सावित्री जी के मान सम्मान के साथ। जाओ। अरे और हाँ, सबके सामने दुख होना है, समझे? ये कौन है? रो, ये क्या कर रहा छोरे? हम तो ठीक से पहुँचे ना और तू जा रहा? जी आप? रे छोरो, हमें ना बचाना। अरे जिनकी पहचान से पूरा कुनबा जाना जाए तूने उन्हें ना पहचाना? अरे चुटकी, हमें ना पहचाना? छोड़ बड़ी, था अभी तो कितना छोटा सा जब आखिरी बार देखा था। हट मन ने याद दिलाने दे इसको।
इसको देखना ऐसे झट से याद आ जावे है अभी ये। धन्नो मौसी, छन्नो मौसी, बचपन में ऐसी मार के भाग जाया करता था ना पावड़ो छोरो, तन्ने याद कोनी? खड़े खड़े सकल का देख रहा, आके पैर छू, शहर आके सब भूल गया। इब मुंह का ताक रहा है, जाके पैर छू, पैर छू। अरे रे, कल्ला कल्ला छुएगा? अरे काम वाली बाई के इतने अच्छे कपड़े दे। पत्नी लुगाई, अरे तारी कमर अकड़ थी पैर छूने में। अरे गांव में ना सिखाए बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना। अरे आप दोनों है कौन? अब मारे से के पूछ रही बावड़ी छोरी, इससे पूछ हम कौन है। अरे हम क्या बताएंगे, हमें खुद नहीं पता कि ये लोग कौन है। कितनी बार बताएगी छुटकी थारे समझ ना आ रहा। मौसी है तेरी बड़ी मौसी, सावित्री की बड़ी बहने, थारी बड़ी माँ। सकल का देख रहा पैर छू। देखिए आप लोग, छोड़ बड़ी छोड़, मारे को लग रहा है हम गलत घर में आ गए हैं। ये मारी सावित्री का घर देखो कोनी, और ये बावरो छोरो, ये मारी सावित्री का छोरा कोई ना होवे। धन्नो मौसी और छन्नो मौसी याद ना होवे। चलो यहाँ से। बात तो घनी ठीक कह रही तू, छन्नो जरा बात सुन। धन्नो धन्नो छन्नो की बात तो सुन। हाँ, ले। हाँ, हाँ, के हुआ? देख हम आए ये थे, लोग हैं कौन? हमारे मरे हुए बाऊ जी की जायदाद का बंटवारा करने। हाँ। सावित्री के हिस्से में जो आया वो हम यहाँ देने आए थे। हाँ। उसमें तो कितने सारे खेत थे, कई एकड़ जमीन से लाखों के जवाहरात। अरे दो दुकानें भी थी, तीन मकान से फार्म हाउस, कोठी। अरे झूठी कोठी मारी से। रे बड़ी थारी याददाश्त को किसकी नजर लग गई, और कोठी तो सावित्री की होवे है। सावित्री की होवे या बावड़ी पूछ की ना होवे? जो सावित्री का होवे है वो बावड़ी पूछ का भी तो होवे है। पर ये बावड़ी पूछ तो हमें ही ना पहचान रहा। पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया। हाँ पहचान लिया। रे पहचान लिया, आओ आओ पैर छुआओ। चलो चलो सामान निकालो गाड़ी में से, हमें हमारी बहन सावित्री से मिलना है। वो तो सत्संग, सत्संग में गई है वो। हाँ वो बचपन से ही सत्संग में जाती है। वो इसी वक्त रोज सत्संग पे जाती है। बस आती होंगी। आती क्या होंगी, मैं खुद लेकर आता हूँ। आप चाहिए उन्हें बताता हूँ। धन्नो मासी छन्नो मासी आई है। हाँ, हाँ, सारी लुगाई के रोटी बनाना। अरे हाँ, हाँ, मौसी आई है, आई है। मौसी क्या होया टकले बेटा, क्या होया? इतने ढेर सारे जेवर पहन के कहाँ घूम रही हो, हमें दे दो, काम आएंगे हमारे। ना जैसी दिखे वैसी है ना, बहुत मारेगी। अच्छा हमें मारेगी? देख कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बड़ी अब बढ़िया लाग रहे हैं मन में। चले अंदर। हाँ, चलिए। मैडम चान चान चान, क्या हो गया? क्या हुआ? अम्मा किडनैप हो गई हैं। आपको कैसे पता किडनैप हो गई है? जी वो फिरौती के लिए फोन आया था।
फोन आया था फिरोजी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कब कब हुई किडनैप? जी कल। कल? अरे यार, और आज तुम चले आए रिपोर्ट लिखवाने? अभी थोड़ा इंतजार करो, फिर कभी मौका मिले तो लिखवा देना रिपोर्ट। लिखवा क्या, आज ही आ गया जी। हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है? ऐसी बातों में कभी कोई मजाक करता है क्या? देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम। हमें बस आप हमारी अम्मा से मिलवा दो, हमें उनकी जरूरत है। मतलब माँ की जरूरत किसे नहीं होती मैडम। हाँ जी, एक मिनट, सीक्रेट बात पीछे पीछे। हमें पता है क्यों जरूरत है, माँ से जायदाद जो मिलने वाली है। पुष्पा जी थोड़ा और। सही कह रही हैं आप। देखिए, ऐसे केसेस में ना वक्त बहुत लगता है। बहुत ज्यादा, 15-20 साल। हाँ थोड़ा कम, थोड़ा सा। हाँ देखा, बहुत आसान है दही भल्ले बनाना। अच्छा। हमने क्या किया? अरे लगता है फिर से भूल गई। हमने ये मिश्रण लिया। अरे याद आ गया। ये तेल में डाला, ये बड़े तैयार हो गए अपने। बस अब बड़ों को पानी में डालेंगे। हाँ हाँ, मतलब वो इंसान ऐसे मिलते मिलते मिलता है। हाँ? और कभी कभी तो मिलता भी नहीं। कैसी बात कर रही है मैडम आप? अब अगर हमारी अम्मा हमें नहीं मिली तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं, हमारा मतलब है कि हम एक पल भी हमारी अम्मा के बिना नहीं रह सकते। अब प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए, प्लीज। ये तो हमारे छोटू की आवाज। अरे ये कहाँ छोटू, ये तो मोटू है। अम्मा जी, अम्मा, अम्मा जी, छोटू। हमारा छोटू। अम्मा, हमारा छोटू आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है अम्मा कि तुम ठीक हो। एक काम दिए थे तुमको, 5 मिनट और पकड़ के नहीं रह सकते थे इनको? अरे नहीं नहीं, वो दही भल्ले क्या मस्त बनाए, वो खाने के ध्यान में भल्ले के चक्कर में कर दिए ना सब मटिया मैन। हमने कहा था ना आपसे, हमारा छोटू हमें लेने आएगा। देखो आ गया हमारा छोटू। हमें पता था वो हमारे बगैर नहीं रह सकता, हमें लेके जाएगा। और आप भी कमाल करती हैं मैडम, आपने कहा था कि किडनैप हुए लोग आसानी से नहीं मिलते, और हमारी अम्मा अंदर ही थी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि ऐसे मिलते मिलते मिला हुआ इंसान ऐसे हवाले नहीं कर सकते, ऐसे आ रहे थे हम। हाँ। एक मिनट, आपको समझ नहीं आता? यहाँ गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, हम तो कुछ भी बोले। अजय भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जरा, इधर। डरिए मत, फॉर्मेलिटी का क्या है, क्या है फॉर्मेलिटी का, आप तो घर के आदमी हैं। फिलहाल हसीना मैडम और करिश्मा मैडम आपके घर में आपकी बहनें बनकर रुकी हुई हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आपके छोटू को भी नहीं। हाँ क्या है ना, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। कौन मैडम? हसीना कौन? अरे भगवान, कोई नहीं, कोई नहीं, सब भूल जाए कोई। हाँ जाइए जाइए जाइए, माता जी को लेकर जाइए, अपने ख्याल रखिएगा उनका, जाइए। चलो थैंक यू, चलते हैं। हाँ आना घर। हाँ हाँ, खाना खाने आ जाएंगे। अम्मा जी दही बल्ले। मौसी जी पकौड़े कैसे हैं? गरम है। माँ जी सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे। माँ जी, मैं अपनी बहन। माँ जी सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे। आपको नहीं पता मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। क्या होया बहू रानी, अपनी सास से ऐसे बगलगीर होके मिल रही जैसे सास सत्संग से ना वापस आई हो, अगवा होकर वापस आई हो। मेरा मतलब है कि सासू माँ थोड़ी देर के लिए भी मुझसे दूर होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई है, और हम दोनों का रिश्ता ही इतना अच्छा है ना माँ? अरे हट पीछे, हमारी लाडली, हमारी बेड़ा। आप कितना रस गई थी तुझे देखने को, अच्छा लग रहे हो, कितना तन्ने में याद को नहीं।
मारे को तो वैसी लग रही है जैसे थोड़ी मोटी हो गई थोड़ी मारी बहन। ये कौन है? है? अरे छोटी हम तो सही सुनिया, इसको तो भूलने की बीमारी हो गई। अरे लाडली हमें ना पहचाना, हम थारी बड़ी बहन धन्नो शन्नो। धन्नो शन्नो हमें ना पहचान रही। माफ कीजिएगा, वो आपने बिल्कुल सही पहचाना था, अम्मा को भूलने की आदत है। अरे तो के हो गया, हमारी लाडली सब कुछ भूल सके लेकिन रसगुल्ले ना भूल सके। हाँ चोरी। हाँ वो हाल ही में मुझे किसी ने रसगुल्ले खिलाए थे। तब बेटे ने खिलाए होंगे छोटू ने। अपनी माँ से इतना प्यार जो करता है। छोरो बावड़ी छोरी, सास के लिए कुछ पकवान हो जाए। हाँ हाँ बताइए ना क्या खाएंगे आप। मारे से के पूछ रही है, मालकिन तो यो है ना। हाँ हाँ यही है तो पूछ फिर। अब बताइए ना माजी क्या खाएंगी आप। हाँ क्या खाओगी अम्मा। अरे बोल बोल जो खाना दिल खोल के बोल। पूरी भाजी, जो हमारी जलेबी, रसगुल्ला, खीर, श्रीखंड और पिज्जा, उत्तप्पा। सावित्री जी को उनकी इज्जत और हक वापस दिलवा कर रहेंगे। कुछ भी कहो मैडम सर, मजो आ गया। करिश्मा सिंह हम अंदर आ गए हैं। पहली बार ऐसा फील हुआ ना मैडम सर कि जैसे के साथ एकदम तैसा हुआ है। इंसाफ मिला है एक उम्रत राज दुखियारी औरत को। मन को ना एकदम शांति मिल गया मैडम सर, एकदम आत्मा हमारी तृप्त हो गई। आप ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह, काश हमारे देश का हर बुजुर्ग इतने ही चैन और सुकून से जी पाता, पर अफसोस कुछ मतलबी लोगों की वजह से ऐसा हो नहीं सकता। याद आया, रसगुल्ला किसने दिया था? याद आया, याद आया। खैर फिलहाल हमें फोकस करना है सावित्री जी पर और इस मकसद को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद है सावित्री जी के बेटा और बहू के दिल में अपनी माँ के लिए फिर से वो प्यार और इज्जत जगाना, जो कि हमें लगता है कि कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल ये घर अब भी अजय के नाम है और वो कभी भी सावित्री जी को अपने घर से बाहर निकाल सकता है। मैडम सर जब शुरुआत इतना अच्छा हुआ है ना तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा नियत वालों के साथ ना भगवान एकदम साथ चलता है, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। आप देखिएगा आगे भी बहुत अच्छा होगा। याद आया हमने आप अब...
आप दोनों तो पुलिस हो। छोटू, ए छोटू, 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 ए छोटू, माँ, छोटू, छोटू, छोटू याद आया, वो पुलिस है। पुलिस कौन? वो दोनों अंदर, मुझे याद आया, आओ 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 मैं दिखा दियो, आओ आओ देखो। क्या कह रही थी अम्मा, ये दोनों पुलिस हैं? कौन पुलिस? अरे अम्मा आप ही तो कह रही थी कि ये लोग पुलिस हैं। हाँ पुलिस है, है? लेकिन मैं नहीं, यो पुलिस है। मैं और छुटकी तो चोर बनते थे, घड़ों मजे किए बचपन में, और यो पुलिस बनकर ना हमको पकड़ती थी। चलो कुछ तो याद है छोटी को। या अम्मा तुम भी, मेरा मतलब चलो चलो आपको याद आ गया ना, अब ठीक है, लेकिन अब रात बहुत हो गई है तो भी सोते हैं, बाकी बातें कल। ठीक है, जा आओ अम्मा, जा छोटी सो जा, जा जा आराम से सोना। हाँ बाल बाल बच गए। सही में मैडम सर, अम्मा अरे नहीं, हम तुमसे यही बोलना, ऐसे ही फोन कर लिए थे हम। हाँ हम तुमसे एक बात बोलना चाह रहे थे, बात ये बोलना चाह रहे थे कि तुम ना बहुत ही ज्यादा प्यारी हो और आई लव यू। क्या बात कर रही हो अम्मा, तुमको मालूम है ना कि हम नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं हम, नहीं पीते हैं। अरे फिर तुम बोल, पैसा काहे चाहिए होगा हमको, बच्चा जैसे काहे बतियाती हो अम्मा, सब ठीक है ना, ऐसे ही तुमको आई लव यू बोलने के लिए फोन किए थे। गाली काहे दे अम्मा, अम्मा हेलो माँ, नहीं ऐसे याद आ रही थी इसलिए फोन की। हाँ वो नहीं, मैं शॉपिंग नहीं कर रही, सैलरी नहीं आ रही, शॉपिंग कहाँ से करूँगी मैं। एक्चुअली वो कल के लिए सॉरी बोलना था, वो शादी की बात पर भड़क गई थी ना, अब कभी नहीं भड़कूंगी पक्का। नहीं बस शादी नहीं करनी अभी मुझे, बस शादी की बात पर भड़कूंगी कभी नहीं मैं। आई लव यू। अम्मी क्या कह रहे हैं? अम्मी माँ, अम्मी हम कह रहे हैं माँ, माँ की बात तो सुनने दे, माँ की तेरा कौन पे जाऊंगा। अम्मी हम कह रहे थे माँ, अच्छा अम्मी हम घर ही आते हैं माँ, शायद नेटवर्क नहीं माँ। अरे अरे ये क्या चल रहा है सबका? पुष्पा जी पुष्पा जी, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, द बिल्लू द स्पाई। अरे अजय को कल अपने माँ से बात करते हुए सबने देख लिया, तो उनको महसूस हुआ कि हम भी अपनी अपनी माँ को फोन कर ले, तो वही चल रहा है। अरे अरे तुम्हें क्या हुआ बिल्लू, तुम क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? पुष्पा जी अपनी माँ का बहुत बुरा बेटा हूँ, मतलब उस अजय से बुरा नहीं हूँ पर हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हाँ? हाँ मगर एक बात बताओ, तुम्हें भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम बुरे बेटे हो? मैं चोरी करते वक्त मेरी माँ का कभी फोन नहीं उठाया, जब मुझे लगा कि माँ को फोन करना चाहिए तो मैंने अपनी माँ को फोन किया, मेरे फोन उठाते ही माँ जेल चली गई। माँ क्या जेल चली गई, ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं तुम इतने भी बड़े चोर कहाँ हो कि तुम्हारा कोई फोन उठाए और जेल चला जाए। नहीं पुष्पा जी, जैसे मैंने फोन किया माँ मेरी बैंक लूट रही थी। क्या? बिल्लू जी आप तो सच में खानदानी चोर हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता, मैं तो स्पाई। मेरी माँ ने मेरा फोन उठाया, मुझसे बातें करती रही, तभी पुलिस ने आकर उसको गिरफ्तार करके जेल ले गई मेरी माँ। हाँ 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 बिल्लू बेटा ऐसे रोते नहीं, बेटा रोते नहीं,
अरे वाह, हमें तो आज ही पता चला कि हमारे ये गोलू मोलू टकलू बिल्लू इतना भावुक भी है। चलो भगवान का शुक्र है तुम लोगों को अपनी माँ की अहमियत का एहसास तो हुआ। और एक हमारा लल्ला है, बाहर गांव गया है मगर अपनी अम्मा को फोन करके एक बार हालचाल तक नहीं पूछा। वो तो माँ पे भी डिपेंड करता है, अपनी बेटी को रखती कैसे। हाँ मासूमियत संतु जी। मगर अपनी बीवी से तो रोज बतियाता होगा ना। पुष्पा जी अब बेटा काम में बिजी रहा होगा इसलिए फोन नहीं किया, फ्री होगा तो फोन कर लेगा। हर कोई लल्ला उस अजय जैसा छल्ला नहीं होता। हाँ बिल्लू, हमें भी पहले ऐसे ही लगता था कि हमारा लल्ला वैसा नहीं है। मगर ये सावित्री के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसे देखकर हमें पक्का यकीन हो गया है कि दुनिया के सारे लल्ला ना एक समय के बाद अपनी माँ को अकेला छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तब पुष्पा जी आप वृद्धाश्रम जाने का सोच रही हैं? बेचारी वहां की बुजुर्ग। हाँ उफ। खैर वो सब छोड़ो जीते, सुनो तुम ना हमारे लिए वो एडवांस बुकिंग करा देना वहाँ पे वृद्धाश्रम में, हम तुमको पैसे दे देंगे। वैसे भी हमने तय कर लिया है कि हम थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट लेंगे, हमने हमारी एफडी भी तुड़वा ली है इसके चक्कर में। पुष्पा जी आपको ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। हाँ पुष्पा जी, इसीलिए कहता हूँ कि आप ये ओल्ड एज पॉलिसी ले लीजिए, ये रहा फॉर्म और यहाँ पे साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म मैं भर दूंगा। कहाँ कहाँ छुपा के रखते हो तुम ये फॉर्म? हाँ कभी भी जरूरत लग सकती है ना इसीलिए। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी आप अपने थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। क्या है ना कि बगिया में हर एक फूल ना मैला नहीं होता, हर एक प्लास्टिक का बैग थैला नहीं होता और हर एक जयवर्धन महिला नहीं होता, जस्ट लाइक दैट। नहीं हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। हाँ पता नहीं कब हमारे जिगर का लला बाहुबली का भल्ला बन जाए। हाँ कोई नहीं बता सकता। अरे लेकिन पुष्पा जी क्या है कि... और वैसे भी चीते तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? करिश्मा मैडम ने तुम्हें वकील बनकर सावित्री के घर में बुलाया ना। अरे हाँ ये लीजिए माँ जी, और पुड़िया लाऊं माँ जी। वाह छोटी कुछ भी बोलो, तारी बहू खाना घना स्वादिष्ट बनाए, मजा आ गया। आत्मा तृप्त हो गए हमारी। अरे बस कितना पूड़िया खिलाओगी अम्मा को? अम्मा बस नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। खान दे गांव की मिट्टी है सब पचा लेगी। बहुत शक्ति हो गांव की मिट्टी में छोरे। सच कहना, थारे से मिलके थारे परिवार से मिलके अब हमको संतुष्टि हो गई है कि तू खुश है। बस अब जल्दी से सब कुछ थारे नाम करे और हम जाए अपनी यात्रा पे सिंगापुर है चट्टी। सिंगापुर सिंगापुर शनि सिंगापुर की बात कर रही होंगी मासी जी, है ना मासी? रे बावड़ी पूछ, सिंगापुर बोलिए जीजी। ये बाल काले थे। काले थे बाल मारे काले थे, लेकिन 20 साल पहले बचपन में। बचपन में देखा था ना, बुढ़ापे में ना देखा तो कंफ्यूज हो जाती है छोटी। अरे कौन है अम्मा? गुड मॉर्निंग गुड डे, जय हिंद। क्या है ना कि हम देशभक्त बहुत बड़े हैं, तो हमारी देशभक्ति कहीं भी कैसे भी निकल आती है। आप भी बोला कीजिए भारत माता की जय। जी जी घबराओ ना ये हमारे वकील साहब। हाँ। वो कागज जायदाद के साइन करने के लिए है ना, ला दे पेपर दे। वकील साहब लीजिए पेपर और जल्दी कर। मेरा नाम शशिभूषण शाही है, हम शादी वादी झगड़ा फसाद मैयत मटका सब कुछ करवाते हैं। अब मैयत की सामग्री के लिए भी हमारी एक दुकान है, हम आपको कार्ड दे रहे हैं।
अरे छोटी चल जरा बात करनी। क्या हुआ जीजी? वो अम्मा बाबूजी ने क्या कहा था? क्या किया था? कोई भी बड़ा काम करने से पहले माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ हाँ क्या था क्या था क्या चला आशीर्वाद हाँ, लेकर आए हाँ, हाँ। करिश्मा सिंह ये सब क्या है? देखिए हम मानते हैं कि हमारा मकसद उन दोनों की लालच का फायदा उठाकर घर सावित्री जी के नाम करना है, लेकिन फिर भी इस सब के लिए हम रजामंद नहीं हैं। नहीं नहीं मैडम सर, आप देखिए ये शुरुआती पेपर्स जो है ना, ये हमारे घर के नकली वसीयत है, जिसकी आड़ में हम उससे असली पेपर पर सिग्नेचर ले लेंगे और घर हो जाएगा सावित्री जी के नाम। हमको तो यही अल्टीमेट सोल्यूशन नजर आ रहा है मैडम सर। करिश्मा सिंह वो बात हम ये पेपर्स देखते ही समझ गए थे, लेकिन ये हमारा फाइनल मकसद नहीं है। देखिए घर के साथ साथ हम चाहते हैं कि बेटा और बहू दोनों के मन में अपनी माँ के लिए फिर से प्यार जागे। आपको क्या लगता है ऐसा करने से वो दोनों अपनी माँ की इज्जत करना सीख जाएंगे? इज्जत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि अजय अपनी मर्जी से अपनी माँ के नाम ये घर कर रहा है और माँ जब तक जीवित है ये घर उन्हीं के नाम रहेगा। और गलती से अजय या उसकी वाइफ ने अपनी माँ को घर से बेघर करने का या फिर वृद्धाश्रम भेजने का बात भी किया ना, तो उनकी माँ उन पर केस कर सकती है। अब आप ये देखिएगा मैडम सर, कैसे ये दौलत के पुजारी ना मंदिर का घंटा लेके सावित्री जी की पूजा करते हैं। क्या है ना, मैं बस टाइम नहीं है। हाँ भाई मिल गया माँ बाबूजी का आशीर्वाद, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम से। कैसी प्रॉब्लम? यो के हुआ, जब हम अम्मा बाबूजी से डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे मन में एक बात आई, सावित्री की तबीयत खराब हो गई आजकल। अब हमारी अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसका ध्यान कौन रखे अच्छे से? कोई काबिल इंसान होना चाहिए ना। तो मन ने सोचा कि सावित्री की जगह क्यों ना तुम साइन कर दो। मैडम जी देखिए, जो कुछ भी करना है जिसका भी सिग्नेचर लेना है आप थोड़ा जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ खाली टाइम नहीं है हमारे पास। ठंड रख वकील। अब देखो भाई, तुम ठहरे जवान खून, इस उम्र में कहाँ छोटी सब कुछ संभालते बैठेगी। तो लाओ कर दो साइन, फिर करोगे ना, कोई दिक्कत तो ना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। ये बात है छोरे, ये बात मारा दिल खुश कर दिया, जल्दी साइन कर दे। पेन लो ये यार, पैसों के चक्कर में अलग अलग प्रोफेशन ले लो। चलो भाई जल्दी जल्दी साइन करो, क्या है कि सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे पास वक्त ही तो नहीं है, वक्त ही नहीं है। गुड बॉय। अरे भाई क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? इससे जल्दी तो सावित्री साइन कर दियो। छोटी मैं बहुत जल्दी जल्दी साइन कर रहा हूँ, ये देखो। गुड बॉय। हो गया। हमने कहा था ना, ये पुलिस है। ये क्या है? पुलिस। हाँ हम पुलिस हैं। ये पकड़ो तुम अपने अरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी, और ये रहे घर के पेपर्स जो हुए सावित्री जी के नाम। ये अच्छा तो अम्मा सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है। वाह माजी पा, क्या चाल चली है आपने। इस मकान को हड़पने के लिए आपने अपने ही बेटे को धोखा दे दिया। हम आओ एंग्री यंग मैन, खबरदार अगर अम्मा को हाथ भी लगाया तो तुमने, और ज्यादा चौधरी बनने का हमारे सामने जरूरत नहीं है। हाथ छोड़। क्यों छोड़ेंगे हम हाथ, हमारी अम्मा है, नहीं छोड़ेंगे। उस दिन तुमको ट्रेलर दिखाए थे, इस बार पूरी पिक्चर दिखा देंगे, समझ गए तुम? हाथ छोड़। छोड़।
हाथ दुख रहा है चोर। जीता चतुर्वेदी, सावित्री जी को ले जाओ। ए बाबू चलो, हाथ छोड़ो, पीछे हटो, हटो पीछे। छोटू हमारा हाथ दुख रहा है, छोड़ दो बेटा। मुंह का बोला बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है ना, हाथ छोड़। करिश्मा सिंह, आप क्या कर रही हैं? होश में आइए। ए दोस्त कहीं और जमाइएगा। करिश्मा सिंह छोड़िए, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, छोड़िए। I'm sorry. हम मर गए क्या? अरे तुमने बंदूक की गोली खाई है अफीम की? तुम्हें हम क्या यमराज दिखाई दे रहे? बंदूक की गोली लगने की वजह से आपकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई और कोई डोनर भी नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें सॉरी कहना पड़ा। पर डॉक्टर साहब, कोई और रास्ता तो होगा? एक रास्ता है, आपके और आपकी माँ का ब्लड ग्रुप तुमसे मैच करता है, लेकिन उनकी सेहत देखते हुए वो आपको किडनी नहीं दे सकते। हाँ, एक डोनर है, लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहा है, आप शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिस्टर अजय, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। देखिए लेकिन अब जो हो चुका है उसे हम वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन आप घबराइए मत, हम आपसे वादा करते हैं कि करिश्मा सिंह के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ अजय जी, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। ये करिश्मा जी हैं तो हमारी बहुरानी, मगर उनके गर्म मिजाज की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। क्या बताएं हम आपको? देखिए, ये सॉरी वगैरह से काम नहीं चलेगा, अगर ज्यादा देर हो गई तो हमें भी आपको सॉरी कहना पड़ेगा, इनकी जान भी जा सकती है। ये क्या कह रहे डॉक्टर साहब? देखिए, गोली लगने की वजह से इनकी दोनों किडनियां डैमेज है और इंटरनल ब्लीडिंग भी ज्यादा हो गई। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा तो इनके जान को खतरा भी हो सकता है। पर डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे? 25 लाख। 25 लाख? इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? छोटू, 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 तू ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, मेरा छोटू ठीक तो हो जाएगा ना? उसको कुछ नहीं होगा ना? तो क्यों परेशान लग रहा है? बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तू क्यों रो रही है? मत रो, हम कुछ नहीं होने देंगे छोटू को, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे। माँ जी, अगर पैसे नहीं मिले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। छोटू को कुछ नहीं होगा, हम है ना। डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत करना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस हमारे छोटू को ठीक कर दीजिए, हम अपना घर भेज देंगे। अम्मा। हाँ बेटा। हमने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, बदतमीजी की, बदसलूकी की, घर से बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि वृद्धाश्रम के लिए भी पता करके आए, और आज जब ये घर तेरे नाम हो गया है तो तू इस नलायक बेटे के लिए वो बेचना चाहती है? चुप पगले, घर तो तब घर होता है जब उसमें परिवार बसता है। जिस घर में तू ही नहीं छोटू, उस घर का मैं क्या करूं? वो घर तो हमारे लिए बस ईंट और पत्थर का ढांचा है बेटा, उस घर की कोई कीमत नहीं है तेरे सामने छोटू, बस तू ठीक हो जा मेरे बच्चे। सावित्री जी, एक बार फिर सोच लीजिए आप,
कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होने के बाद आपका औलाद फिर से रंग बदल दे, क्या फिर से आप दर दर की ठोकरें खाएंगी? सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमारे बच्चों के सामने हमारे लिए ये घर कुछ भी नहीं है और उनकी खुशियों के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन सावित्री जी, इन्होंने आपके साथ इतनी बदसलूकी की, पहले धोखे से आपका घर खुद के नाम करवा लिया और फिर आप ही को अपने घर से निकाल दिया। आप अभी तक माँ नहीं बने हो ना बेटा, इसीलिए माँ की ममताई की गहराई आप समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन माँ बनोगे सब समझ में आ जाएगा। और हमारा क्या है, हम चले जाएंगे वृद्धाश्रम, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ हो। काश वक्त का पहिया घुमाने की क्षमता होती हम में, अतीत में जाकर अपनी सारी गलतियां सुधार लेते। ठीक है, हाँ तो घुमा देते हैं वक्त का पहिया, कर देते हैं समय को थोड़ा पीछे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ अजय, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनफैक्ट तुम्हें जो गोली लगी थी वो नकली थी। देखिए करिश्मा सिंह, हम इस प्लान से सहमत तो नहीं है। मैडम से फिर आप ही बताइए, आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा हल है तो। रे कुछ ना करना छोटी, अजय सिंह के गोली मार दे। अजय, जब हम छोटे होते हैं तो हर बात के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं, उनके बिना एक कदम नहीं उठा पाते। वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, चलना फिरना पढ़ना लिखना, कभी डांट कर कभी प्यार से, लेकिन इस सब के बीच भी वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। माँ बाप का बुढ़ापा उनके दूसरे बचपन की तरह ही होता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ गैस खुला रखकर भूल गई? ये तुम्हारा काम है उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना, कभी प्यार से तो कभी डांट के, लेकिन इस सब में उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप की जिंदगी का आखिरी पड़ाव आरामदेह और सुखद हो, ये हर औलाद का फर्ज है। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है हसीना जी। हसीना जी, हम आपसे वादा करते हैं, अब से हम माँ जी को वही प्यार, वही सम्मान और वही इज्जत देंगे जो हमें हमारे लिए चाहिए। हाँ, अब हम अम्मा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और सावित्री जी, आप जिस आत्मविश्वास और रौब के साथ अपने अपने बेटे को घर बेचने के लिए कन्विंस किया, आवाज में वो रौब कहाँ चला जाता है जब बात खुद की हो, खुद की इज्जत की हो, प्रतिष्ठा की हो। आप जानती हैं, आपके बेटे ने जो कुछ भी किया वो सीनियर सिटीजंस 2007 एक्ट के तहत एक जुर्म है। आप चाहे तो अपने बेटे से अपनी आर्थिक स्थिरता का हक मांग सकती हैं और वो आपको मना नहीं कर पाएगा, लेकिन अफसोस ये बात आम जनता नहीं जानती और माँ बाप अपने बच्चों के घटिया व्यवहार से डर डर के रहते हैं। सावित्री जी, खुद का सम्मान करिए तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा, धन्यवाद। आज आप दोनों की वजह से हमें हमारा परिवार वापस मिल गया और आज भगवान ने सिर्फ हमें हमारा छोटू ही नहीं, आप जैसी दो होनहार काबिल बेटियां भी दी है। हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखे। अब ये चाय कौन पिएगा?
करिश्मा सिंह। मैडम सर, ये केस आपके हौसले और समझदारी की वजह से सॉल्व हुआ है, इसलिए ये चाय आप पीजिए। जब ये पूरा केस माँ के सम्मान और प्यार की बात का है तो उस पे सबसे पहला हक सिर्फ आप ही का बनता है। लीजिए लीजिए। क्या बात है करिश्मा सिंह, पीजिए पुष्पा जी। इस थाने की इतने दिनों बाद पहली चाय अपनी बहू के हाथ से पीजिए। हाँ, वो लल्ला फोन कर रहे थे बार बार, थाने का फोन खराब है, हमको बोले हैं आपको मैसेज देने के लिए। एक बात बताएं पुष्पा जी, आपको हमसे भले ही फोन पे लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, लेकिन आपका हाल पूछना कभी नहीं भूलते। हमारे लल्ला का फोन आया था, हमें पता था हमारा लल्ला हमें कभी भूल ही नहीं सकता, लाखों में एक है वो। हम जानते हैं आपका लल्ला लाखों में एक है। ये पकड़िए, ये जो आप वृद्धाश्रम जाने का सोच के बैठी हैं, अपनी एफडी तुड़वा के बैठी हैं ना, उसके लिए। आपको क्या लगता है पुष्पा जी, आपका पीछा हमसे इतनी जल्दी छूट जाएगा? नहीं नहीं, हम इसे नहीं ले सकते। तो मेरे नाम करा दो पुष्पा जी। उफ, ये मासूमियत। आप लेती हैं या नहीं? हाँ, और ये दिमाग से ना ये घटिया बात सोच के बैठी है ना आप घर से जाने का, ये निकाल दीजिए बिल्कुल। बहुरानी किसकी है? पुष्पा जी, आपकी बहुरानी गर्म दिमाग है, बात बात पर बवाल कर देती है, पर इतनी बुरी भी नहीं है। चलिए अच्छा है मैडम सर, कभी तो अच्छे लगे आपको। सिर्फ दिल से, SHO के हिसाब से अब भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। जय हिंद सर, SHO करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग सर। जय हिंद। और बताइए करिश्मा सिंह, क्या चल रहा है? सर बस इंतजार चल रहा है कि कब आप हमको टेम्पररी से परमानेंट SHO बना देंगे और हम अपना थाना अपने तरीका से चला पाएंगे। जहां तक हमें रिपोर्ट मिली है कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, बात बात में किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, वो क्या कहते हैं ना कि किसी को भी कंटक बजा देना है ना। हमें जहां तक ऐसा लगता है कि क्या कचौरी है? क्या हुआ सर? नहीं नहीं, यही कह रहा था कि कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। जी सर। हम कह रहे थे कि अपने आप संयम रखिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे गुस्सा बहुत कम हो जाता है। एक बार हम खाने पे आएंगे ना तो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। अरे भाई, जिम्मेदारी बड़ी है तो जिम्मेदार बनिए ना। चलिए रखते हैं, जय। कौन है घर का भेदी? कौन है जो यहाँ का सारा खबर वहाँ पहुँचाता है? कौन करता है हमारा शिकायत? मैडम, हम से हमारा रोमांस नहीं संभलता है मैडम, हम चुगलखोरी कैसे संभालेंगे? ये किसी और का डिपार्टमेंट है, समझिए। ऐ संतु, तुम पहुँचाती हो खबर DSP साहब को? मैं? नहीं नहीं मैडम, मैं तो खुद सच के कैसे परेशान रहती हूँ हमेशा, मैं कहाँ चुगली करूंगी। नहीं मैडम, मैडम ये नहीं की होंगी, हम जानते हैं इनको, बहुत अच्छा से जानते हैं। वैसे मैडम, हम लोग जो किया होगा वो पकड़ा जाएगा ना मैडम, अभी सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं, हैं? कल आएंगे पुष्पा जी आप?
गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। गजब, गजब हो गया गजब। मतलब गजब का बात है कि आप यहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाई और वहाँ डीएसपी साहब भी कचौड़ियाँ खा रहे थे। इसको कहते हैं कोइंसिडेंस। हमें ऐसे क्यों लग रहा है पुष्पा जी कि कचौड़ियों के साथ साथ आप खबर भी पहुंचा देती हैं डीएसपी साहब को? शौक से थोड़ी ना गए थे, डीएसपी साहब ने बुलाया था इसलिए गए थे। अब जो पूछा बता दिया। हाँ तो इसको चुगली कहते हैं पुष्पा जी, आपको पता है ना। ड्यूटी कहते हैं इसे। डीएसपी साहब है वो, हम सबके सीनियर, अब उनको ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना। अब कुछ पूछेंगे तो बताएंगे भी नहीं। फिर भी रख रख क्या झूठ कहा? क्या झूठ कहा? सच्ची तो कहा हमने। अच्छा तो सीनियर तो हम भी हैं यहाँ पर आपके, और हमारा ऑर्डर फॉलो करना भी आपका ड्यूटी है। इसलिए अब से एक सप्ताह के लिए आप बैठिए अपने घर पर, और जब तक हम अगला ऑर्डर नहीं देते हैं थाने आने का जरूरत नहीं है आपको। आप हमें सस्पेंड कर रही हैं? कर दिया तत्काल प्रभाव में। क्या? हम हसीना मैडम से बात करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो भी SHO है, हम भी SHO है। जितना उनके ऑर्डर का प्रभाव है ना, उतना ही हमारे ऑर्डर का प्रभाव है। और वैसे भी आपको सस्पेंड करने के लिए ना पुष्पा जी, आपका सीनियर होना काफी है, जो हम बहुत पहले से बने बैठे हैं। चलिए अभी 12:50 का बस मिल जाएगा, उसमें सीनियर सिटीजन का सीट भी मिल जाएगा। चलिए जाइए। सच में जाएं हम? पुष्पा जी चुपचाप सामान समेट कर निकल जाए, नहीं तो हम लोग को भी साथ में निकलना पड़ जाएगा, समझिए प्लीज। अरे कितना नौटंकी करती है मैं। क्या कचौरी लेके? अच्छा कचौरी खाने आते हो थाने में या काम करने आते हो? कचौरी नहीं, काम करने आते हैं मैडम। तो जाके करो ना। हाँ मैडम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी कहाँ हैं? वो करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। अब भी जस्ट तत्काल भोकाल में। क्या? क्यों? मैडम सर एक हफ्ते से रोज रात को 3 बजे हमें उठाती है और अपने पैर दबाती है। इस उम्र में भी एक छुट्टी नहीं ले रही है। इतना समझाए हम उन्हें कि थोड़ा आराम कर ले, एक छुट्टी ले ले, लेकिन नहीं समझ रही, तो कर दिए हम सस्पेंड। अब जाएंगी थोड़ा आराम करेंगी ना, तो एकदम फ्रेश होकर वापस आएंगी हम सबको परेशान करने के लिए। ठीक है। अच्छा क्या? अरे चुप रहो तुम, तुमको तो शर्म भी नहीं आता चोरी करके हमारे सामने खड़ी हो? नो, वेरी बैड। मैं चोरी करूंगी? इसकी शकल देखिए जरा, शकल पे लिखा कितनी बड़ी चोरी। क्या महिमा लगा रखे हो? अरे तुम झगड़ा चल रहा है, जाओ जाओ घर जाओ घर जाओ। और हाँ, अगर यहाँ रहना है, झगड़ा देखना है, तो बिरयानी खानी पड़ेगी। अबे ये देखने का ना, चाय पीना पड़ता है। ले आओ। देखो देखो देखो। अरे हमारा साड़ी किसने चुराया? तुमने चुराया। ये लो कम्बल तो, और देखो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसकी साड़ी चुराने की? अरे इसने तो मेरे गैजेट्स चुरा लिए हैं, तुमने मेरी रिस्ट वॉच चुरा ली। सुनिए सुनिए। अरे अरे हम तुम्हारा गैजेट चुराए? हमारा नेकलेस कौन चुराया? तुम चुराई। और ये जो तुमने मेरी पूरी की पूरी वैनिटी किट चुरा ली, उसका कुछ नहीं? अरे तुम हमारा सेट भी चुराई हो, और ये जो लिपस्टिक लगाई है ना, ये कैक की लिपस्टिक है हमारी, 2000 रुपए की। और ये जो बाल में तुम्हारा सीरम है ना, ये भी हमारा है। दिख रहा ना मोटी वाली भाभी, यही जीतेंगी, 200 की शर्त। ये लो, ये ले रहे 1000 रुपए पकड़, जीतेगी तो नूडल बालों वाली। अरे ये क्या हो रहा है? बस कीजिए। अरे रुको 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 रुको, क्या हो, क्या रही? क्या रही है? बस करिए आप लोग। अरे दीदी क्या कर रही हैं आप? खबरदार जो एक कदम भी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाया तो। अभी हमने रोक दिया, लेकिन हमको रोकना मुश्किल हो जाता है। अरे ओ
यार पूरा मजा खराब कर दिया। थोड़ी देर से नहीं आ सकते थे बीच बचाव के लिए? क्या तरीका है एक दूसरे से लड़ने का? यहाँ पर थाना है, हम लोग यहाँ से आकर बात करिए। औरत होकर इस तरह लड़ रहे अच्छा लगता है क्या? ऐसे तो हम चोर भी नहीं लड़ते। बिल्लू नहीं, नहीं। क्या हुआ, क्या हो गया आप लोगों के बीच? अरे हमसे काहे पूछ रहे हैं, इससे पूछिए। ई है सारी फसाद की जड़, ई की है सब चोरी, इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। हमने किया है सब कुछ? इंस्पेक्टर साहब जस्ट लुक एट माय फेस, आपको लगता है मेरी जैसी इतनी क्लासिक फीमेल इसके मुंह लगेगी? आई बड़ी क्लासी चोर गई की? देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से चोर कहा ना तो। वरना वरना क्या करेगी तू? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे बस करिए आप लोग। तू मेरा मुंह नोचेगी और मैं तेरी शक्ल देखूंगी चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल? अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं दीदी, ऐसा गलत बात है। तुमने मुझे चुड़ैल बोला? हाँ मैंने तुझे चुड़ैल कहा और मैं तुझे भूतनी भी कहूंगी। तुमने खुद का भी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? एक नंबर की मेकअप की पुती हुई दुकान हो तुम। हम पुती हुई दुकान? चुप। एक भी लफ्ज तुम्हारे दोनों के मुंह से निकला तो हवालात में डाल देंगे सीधा, टोपा कहीं की दोनों की दोनों। बैठी बैठी प्लीज जी। अब बताइए मामला क्या है? अरे मामला क्या होना है मैडम जी, अरे चलती है वो चल मुखड़ी सीना हमसे। अरे बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं होती हमारी खूबसूरती, हमको मालूम है ना? She's right. She's absolutely right, madam. कुर्ती है इनसे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती शीना से इनकी खूबसूरती। देखिए मैडम जलती तो वो मुझसे है। Just look at me. My class, my style, my fashion sense, my followers, my fans. She's totally jealous of me. वही तो मैडम, फैंस्टा पर इनके फॉलोअर्स देखकर जल बुनकर कबाब होती रहती है वो। मैडम ये देखिए, ये हमारे सेट्स हैं। हाँ? अरे सेड सेड शेड्स। हाँ हाँ सेड्स। ये देखिए देखिए पूरे 15,000 रुपए के। हम जब दिल्ली गए थे ना, हम वहां से लेकर आए थे पूरे 4 घंटे की बार्गेनिंग के बाद। देखिए देखिए हमारे फोटो में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम। अरे जैसे हम फोटो खींच के फैंस्टा पे डाले गायब। कहाँ गायब हो गए, कौन किए गायब? कौन किया? अजी और कौन, शीना ने, उसी ने चुराए होंगे इनके शेड्स। हाँ जेलस कहीं की, नर्क में जाएगी देखना। हाँ नर्क में जाएगी सीधा। अरे नर्क में तो उसकी सीट ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। वेट आई शो यू, जस्ट सी दिस गोल्ड प्लेटेड 30,000 रुपीज। कैन यू गाइस बीट दैट? आई मीन व्हाई वुड आई स्टील हर्स? का मतलब दीदी? अरे ये उसका क्यों चुराएगी? अरे हाँ मैडम कोई जरूरत ही नहीं है। अरे कोई भी देखकर कह सकता है कि प्लेटेड में कितनी गॉर्जियस, कितनी अमेजिंग दिखती हैं ये। बस यही उस पिंकी की बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ, चुरा लिया इनका प्लेटेड। Exactly. मतलब जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती उससे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी बीवी की जो चीजें हैं वो आपके पड़ोसी पिंकी ने चुराया है? क्या बात कर रही है मैडम, पिंकी तो मेरी वाइफ है। क्या? अरे ये थोड़ी ना है मेरी वाइफ, मेरी वाइफ तो वो शीना है।